सो पिछली वीडियो में पोपटलाल के करेक्टर को तोड़ मरोड़ के जोड़ने के बाद आज इस वीडियो में मैं आया हूँ जीता बीबी से रूबरू होने। ऑफ कोर्स मैं पिछली वीडियो के व्यूज को मैक्सिमाइज करने नहीं आया हूँ। स्टार्टिंग विद एन अनपॉपुलर या फिर पॉपुलर ओपिनियन, जेठालाल एज अ करेक्टर इज मोस्ट रिलेटेबल टू द ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स टू मी। वेल, मेरी लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाते हुए लेट्स एनालाइज इन दिस वीडियो व्हाई राइटर्स गिव दिस जेठालाल बबीता फ्लर्टेशियस आर्क टू दिस करेक्टर। सो हमें समझने की जरूरत है दैट हाउ द करेक्टर ऑफ जेठालाल इज रिटन एंड हाउ इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। ही इज अ लविंग हस्बैंड, एन आइडियल सन एंड ऑफ कोर्स अ स्ट्रिक्ट फादर दैट एवरीवन शुड बी इन सम सेंस। बट इस परफेक्शन के ऊपर ना एक नुआंस्ड लेयर ऑफ फ्लॉ भी एडेड है, जहां पे वो बबीता के साथ इन्फैचुएटेड या फिर अट्रैक्टेड फील करता है। एंड द रीजन फॉर दैट उसको मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। बट बेसिकली द पॉइंट इज जेठालाल हमें जिंदगी का वो पहलू बताता है जहां पे हम किसी बंदे की लाइफ में कुछ ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां पे हमें पता है कि हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, बट स्टिल वी वॉन्ट टू मेक सम एफर्ट्स टू गेट अ क्लोजर टू दैट एंड बी सेटिस्फाइड विद दैट। जेठालाल तारक मेहता का वो करेक्टर है जिसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बाहर की सराउंडिंग से आई है, और इसीलिए उसके लिए एस्केप फ्रॉम रियलिटी बनता है उसकी इंटरेक्शन विद बबीता जी। चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ड्यूरिंग दैट 2 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन और मीटअप विद बबीता को लगता है कि उसकी लाइफ में भी शायद कुछ एसेंस है, कुछ रोमांच है, एंड दैट इज व्हाई ही एंजॉयज कंपनी विद बबीता। बट यू नो दैट्स नॉट ओनली द रीजन कि क्यों ये जेठा और बबीता का कैरेक्टर आर्क ऐसे वर्कआउट कर गया। इनफैक्ट आज के टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड एंड ओवरयूज लग रहा है, बट बैक दोज डेज दया वाज डम्ब एज हेल, इरिटेटिंग एंड एन एम्बैरेसमेंट टू जेठालाल। इन कंपैरिजन बबीता एक बहुत ही एजुकेटेड, सभ्य और मे बी अ गुड लुकिंग कैरेक्टर थी, जिसके कारण जेठालाल शायद फील करता था कहीं ना कहीं कि काश मुझे भी ऐसी वाइफ मिली होती, एंड दैट्स हाउ हिज विशफुल थिंकिंग एक्ट्स अपॉन द स्क्रीन। जेठालाल खुद एक इतना पढ़ा लिखा कैरेक्टर नहीं है, उसमें खुद इतने मॉरल्स और ये वेल एजुकेशन वाले प्रिंसिपल्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, इसीलिए उसे लगता है कि उसका ये जो विशफुल थिंकिंग है वो जस्टिफाइड है। इसीलिए जब जेठालाल को थोड़ी सी भी अफेक्शन बबीता की तरफ से मिलती है, ही इज क्वाइट हैप्पी विद दैट, बिकॉज कुल मिला के जेठालाल का कैरेक्टर इज नथिंग बट अ इनोसेंट लिटिल किड जो बबीता के साथ टाइम स्पेंड करके अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। एंड यही प्रोमिनेंट कारण था कि क्यों ये जेठालाल और बबीता का कैरेक्टर आर्क शुरू में चल गया। बट यू नो द प्रॉब्लम बिगेन जब ये तारक मेहता का शो बजाय कि एक कॉमेडी के एक सोशल मैसेज प्रेजेंट करने वाला शो बनता गया, बिकॉज तब दया के जो फ्लॉज थे ना, और दया छोड़ो एक सबसे मेजर गलती जो तारक मेहता ने की है रिसेंटली, दे रिमूव द फ्लॉज ऑफ एवरी करेक्टर। आई मीन आई डोंट सी मिडल फैमिलीज लिविंग इन सच लेविश हाउसेज एंड हैविंग ऑलमोस्ट नो फ्लॉज इन देयर लाइव्स। पहले के टाइम पे हर करेक्टर का एक अपना नुआंस्ड पर्सनैलिटी होती थी, और ऐसा नहीं होता था कोई भी करेक्टर आके सोशली परफेक्ट होता था और उनके अंदर कोई गलतियां नहीं होती थी, एंड दैट्स हाउ इट वॉज डिपिक्टेड अर्लियर। हर किसी की तरफ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बने थे कि ये करेक्टर ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस में इरिटेटिंग होता है, नेबर्स के बीच फाइट होती है, एक दूसरे से जेलसी फील होती है, एंड द ऑल इमोशंस दैट आर रॉ टू ह्यूमंस दैट वर प्रेजेंट इन द अर्लियर एपिसोड्स ऑफ तारक मेहता, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट नाउ। एंड अगर सिर्फ दया की बात करूं तो वो एक सुपर ह्यूमन कैरेक्टर में इवॉल्व हो गई, जहां पे वो नारी शक्ति का एक प्रमाण बन चुकी थी। इसीलिए अब राइटर्स ने, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के फ्लॉ को ढक दिया था, तो वो चाहते थे कि एक तरफ हाँ जेठालाल प्राउड फील करे अपनी वाइफ के लिए, और दूसरी तरफ वो बबीता के लिए अट्रैक्टेड भी फील करे। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक दैट दीज टू कॉन्ट्रेरी थिंग्स कैन वर्क टुगेदर, बिकॉज जेठालाल की पूरी लाइफ का फ्लॉ ही यही है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि हर बार उसे वो चीज मिलती नहीं जो वो चाहता है। वो एक पीसफुल लाइफ चाहता है, अ न्यू प्रॉब्लम ड्रॉप्स इन। बट जब राइटर्स ने यही सोच लिया कि जेठालाल एक तरफ अपनी वाइफ के साथ भी खुश रहेगा और बबीता के साथ भी खुश रहेगा, तो उनकी बाकी प्रॉब्लम्स है जेठालाल की वो काफी कम और फीकी लगने लग जाती है। हम इस करेक्टर से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं, एंड दैट इज जस्ट द सिंपल रीजन क्यों आजकल जेठालाल और बबीता का जो ये फ्लर्टिशियस कैरेक्टर आर्क है फील्स फोर्स्ड। बट यू नो आई विल गिव यू वैल्यू ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज गोइंग टू बी ये
या बेसिकली हमारी जिंदगी में हर बंदे की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस या फिर विशफुल थिंकिंग होती है, बट जरूरी नहीं कि इंसान को वो चीज हर बार मिल जाए, एंड दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। कबीर जी कह के गए हैं, माया मरी नमन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। एंड यू हैव टू मेक पीस विद दैट। सो इसीलिए आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ऐसे और कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मोर कंटेंट एनालिसिस इज कमिंग इन अपकमिंग वीडियोज। टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।